अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इट्स निसार शेरपा एंड फेस माय प्रोफेशन। और टुडेस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। तो आज हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड इन टर्म ऑफ वर्क डन and in term of position, in term of other mechanical parameters, okay? तो हमारा सबसे पहले जो है वो conservative force। conservative force क्या होता है? और conservative force के जो है वो conservative field के साथ related होता है। तो जो field conservative field हो उसके लिए हमेशा force जो है वो conservative होगी, ठीक है? तो चलो देखते हैं conservative force क्या है। What is conservative? नंबर वन देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सपोज अगर हमारे पास दो पोजीशन है ए और बी, और हमने एक बॉडी को डिस्प्लेस करना है पॉइंट ए से बी तक डिफरेंट पाथ से। सपोज एक पाथ है हमारे पास, ये पाथ नंबर वन है, इस पे ये वर्क करता है W along the first path। फिर उसको हम मूव करते हैं इस रास्ते से पाथ नंबर टू, यहां पे वर्क होगा पाथ टू, यहां पे इस तरह ये एक और पाथ है पार्ट जो है थर्ड, वर्क डन थ्रू पाथ थ्री। तो याद रखिएगा कि एक ऐसा फोर्स जिस पे हम जो वर्क करें और वो वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड ना करें, मतलब अगर हम बॉडी को इस रास्ते से डिस्प्लेस करें यहां से यहां ऐसे बी तक, या इस रास्ते से या इस ज़िगज़ैग रास्ते से, और वर्क एक जितना हो, समझ आ रही, मतलब है कि ये तीनों वर्क एक जितने हो, बिल्कुल सेम हो, वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय थर्ड पाथ। अगर ये तीनों वर्क्स इक्वल है या जितनी भी और पाथ हो सकते हैं, इन सारे पाथ के लिए अगर वर्क डन सेम हो तो ये फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा। समझ आ रही है? ठीक है। सेकंड जो इसका जो डेफिनेशन कह ले या प्रॉपर्टी कह ले वो ये है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्लोज्ड पाथ के लिए ये फोर्स जो है वर्क डन जीरो करेगा, मतलब जहां से बॉडी स्टार्ट हुई उस पॉइंट पे वापस बॉडी लेके आए तो नेट वर्क या टोटल वर्क डन जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड की हम पहले बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास जो है ये अर्थ है और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। फील्ड को याद रखिएगा, जहां भी जो भी फील्ड हो हम उसको लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इसे हम लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्लोज पाथ की अब हम बात करेंगे। क्लोज पाथ ये है कि सपोज ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है, हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, और फिर हमने रिटर्न किया बॉडी को बी से ए तक। ये है क्लोज्ड पाथ, जहां से स्टार्ट हुई बॉडी उसी बॉडी पे वापस आ गई। अगर अगर टोटल वर्क डन जो है वो जीरो हुई तो ये वर्क जो है ये फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव होगा, और ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड होगा, जैसा कि ग्रेविटेशनल है। तो देखिए मतलब है द नेट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू सी टू ए बैक मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब ए से बी तक जो वर्क हुआ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह ये
ए टू बी इज प्लस हो, ये दो वर्क है प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू 0। क्लियर होगा? अच्छा अब देखो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ओ ये कंजर्वेटिव दैट पाथ वन, इसके लिए डी एस वन लिखी, डी एस वन या डेल्टा एस हमारे बुक्स में चूंकि इस तरह होता है, डेल्टा एस वन प्लस एफ कंजर्वेटिव डेल्टा एस टू इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसको उस साइड पे लेके जाएं तो एफ ओ कंजर्वेटिव डेल्टा एस वन इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डेल्टा एस ओ टू। मतलब है कि रास्ता इस राशि से भाड़ी गई तो जितना काम हुआ वो काम इस काम के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, इसलिए जो है ये फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। तीसरा जो डिफिनेशन है हमारे पास द फोर्स विच इज अ पोजीशन डिपेंडेंट, ये जो फोर्स है ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। कैसे? देखिए पोजीशन डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है ये समझ में आ गई? अच्छा पोजीशन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। हमने एक बॉडी को सपोज पोजीशन डिपेंडेंट, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है, या इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है पोजीशन डिपेंडेंट होता है। क्लियर? अगर हम इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएं, ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, ये पोजीशन इनिशियल है और ये पोजीशन फाइनल है। अब ये जितना वर्क करेगा ये कंजर्वेटिव फोर्स वो किस बात पर डिपेंड करेगा? इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी कहां से गया, कितना टाइम लिया, किस किस रास्ते से ये गुजरा, इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस तरह अगर ऐसी सिचुएशन में आपने वर्क कैलकुलेट करना हो और फोर्स कंजर्वेटिव हो और पाथ डिफरेंट हो, कई कॉम्प्लिकेटेड पाथ दी गई हो, तो याद रखिए कि आसान तरीका ये है कि ये जो शॉर्टकट है, ये जो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट, इसके लिए वर्क कैलकुलेट करें, इस पे जितना वर्क हो इस बाकी सारे रास्ते पे इतना ही वर्क हो चुका है, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका होता है। चौथी जो हमारे पास बात है वो है कि ऐसा फोर्स जो कंजर्वेटिव हो, इसके लिए हमेशा के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होगी, एंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब है इस फोर्स से हम जितना भी काम करेंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आती है उसके नेगेटिव के इक्वल होंगे। मतलब है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी।
इसका आप क्या मतलब है? सपोज एक्सप्लेनेशन इसका हम कैसे करेंगे? एग्जांपल, सपोज ये एक बॉडी है, मैंने इसको ऊपर ले गया, ये हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया और इसको हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम में लेके गए ऊपर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस पे मैंने जो फोर्स अप्लाई की वो फोर्स एग्जैक्टली इसके वेट के इक्वल एंड अपोजिट था, यानी मतलब इसका जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये चूंकि ग्रेविटी है तो यहां से यहां तक काम कितना हुआ? अब देखिए इसका बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है एस, ये उसी डायरेक्शन में है। सपोज ये है हमारे पास, चलो बस ये ठीक है, ओके। और इस बॉडी पे जो ये हम ऊपर ले जा रहे थे, इस पे जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एम जी है जो डाउनवर्ड है। क्लियर हुई बात? ठीक, हम ये बात नहीं करें कि हम कितना काम कर रहे हैं, हम अपनी फोर्स की काम बात नहीं करें, हम ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब काम कितना हुआ, हाउ मच वर्क हैज बीन डन, अब देखना है कि आया वर्क डन जो है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है या नहीं है। द वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। अब एस जो है वो हमारे पास हाइट के बराबर है, फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो एफ एस काज 180 डिग्री, ये किस चीज के बराबर है? माइनस वन के। एफ जो है वो हमारे पास एम जी फोर्स और ये एच और माइनस इधर वर्क इज इक्वल टू। अब पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन आप को पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें, द वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल। क्लियर हुई? तो ये था हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली इसी तरह एक और एग्जांपल जो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स आर स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। स्प्रिंग और इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। क्लियर हुई बात? अब देखिए स्प्रिंग कैसा कंजर्वेटिव फोर्स है, एक जल्दी जल्दी हम इसका एग्जांपल देते हैं। सपोज हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, इसके साथ एक बॉडी कनेक्टेड है, ये वाला इसका मास m है, ये इसका जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया और ये स्प्रिंग जो है ये एक्सटेंड हुई, इस तरह एलांगेट हुई, m हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये हमारा अप्लाइड फोर्स था। स्प्रिंग फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में है, ये स्प्रिंग या रिस्टोरिंग फोर्स है। बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है x में हम लेते हैं, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, जिस तरह की ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने फोर्स को कांस्टेंट लिया mg, ये नहीं है, क्योंकि ये जो है ये फोर्स ये भी पोजीशन डिपेंडेंट है, लेकिन बाय हुक लॉ जितना मतलब इसका जो एक्सटेंशन इंक्रीज होती है तो इतना ये फोर्स स्ट्रांग से स्ट्रांगतर होता जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स जो है जीरो होता है, या पे हमारे पास स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम होता है जो के एक्स के बराबर है बाय हुक लॉ। तो हम इन दोनों, और ये कांस्टेंटली जो है ये फोर्स इंक्रीज होता है कांस्टेंटली फॉर ईच मिलीमीटर एंड ईच सेंटीमीटर डिस्टेंस, राइट।
तो यही वजह है कि हम दोनों फोर्सेस का जो है एवरेज लेंगे। तो एवरेज रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमारे पास एफ नॉट यानी यहाँ पे प्लस एफ ऑफ मैक्सिमम डिवाइड बाई टू, तो हमारे पास वन ओवर टू के एक्स, क्लियर। और इसका डायरेक्शन ये है, तो यहां से यहां तक जो वर्क हुई, ये वर्क वर्क डन हमारे पास हुई एफ ऑफ एवरेज वाला इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों के बीच का जो एंगल है ये उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ये इस डायरेक्शन में 180 का है, इसका जो वैल्यू है वो वन ओवर टू के एक्स, और एक्स तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है और कॉस 180 डिग्री, तो वर्क कितना हुआ वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वर्क है। क्लियर है बात? अच्छा, अब हमने बॉडी को रिलीज किया, जब रिलीज किया तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, अब सेकंड सिचुएशन में यहां पे हमने बॉडी को रिलीज किया, ये बॉडी अब इसी डायरेक्शन में आ रही है, बॉडी आ रही है इसी डायरेक्शन में, फोर्स का वही डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन है, बिल्कुल वही डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, जब बॉडी उस डायरेक्शन में भी जा रही थी तो फोर्स इस डायरेक्शन में था, जब हमने रिलीज भी कर तब भी ये फोर्स यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ इस डायरेक्शन में यहाँ तक इस पॉइंट की तरफ को डायरेक्टेड है। लेकिन एक काम जो हुई डिस्प्लेसमेंट रिटर्न हुई, अब एक्स इसी डायरेक्शन में क्योंकि बॉडी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, क्लियर हुई। यहां से बॉडी यहां से स्टार्ट हुई गई, अब बॉडी जो है इसी पॉइंट पे आ जाएगी, तो उसी डायरेक्शन में जो वर्क वर्क होगी फोर्स के लिए वही हम वन ओवर टू के एक्स लेंगे, ये एवरेज वाला डिस्प्लेसमेंट वही है, एंगल दोनों के बीच का क्या है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन फ्रॉम ओ टू ए ये ए वाला रिलेशन है, एंड वर्क डन फ्रॉम ए टू ओ, याद रखो इतना ही वर्क होगा लेकिन प्लस होगा, तो वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस दफा हम 180 की जगह क्या पुट करेंगे, दोनों पैरेलल जीरो पुट करेंगे। तो अब देखो ये कंप्लीट हुई, जहां से ये स्टार्ट हुआ था इधर गया, यहां से वापस इधर आ गया, कितना वर्क, वर्क टोटल जो है वो माइनस वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर ये कैंसल इज इक्वल टू जीरो। तो फॉर ए क्लोज्ड पाथ जो है स्प्रिंग फोर्स वो भी वर्क जीरो करते, इसलिए स्प्रिंग फोर्स जो है वो भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा के लिए जो है डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है ये फोर्स उसी डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉडी को इस तरह लेके जा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, तो कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। स्प्रिंग की केस में देखिए, ये स्प्रिंग की केस है, अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करें, ठीक है, तो यहां से अगर ये डिस्प्लेस हुई यहां से यहां तक, तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाहर की तरफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और इसको इलेक्ट्रोस्टेट इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम हम देते हैं। तो उसी डायरेक्शन में जब जितना हम स्प्रिंग
इलांगेट करें, स्ट्रेच करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई तो कंजर्वेटिव फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है उसी डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, रिस्टोरिंग या स्प्रिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन हमेशा के लिए इस तरह होता है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स, उसकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन इतनी लंबी नहीं है, एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन जो है वो टोटली पाथ पे डिपेंड कर रहा हो, पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स फॉर विच द वर्क डन इज अ नंबर वन डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करेगा, नंबर सेकंड नट जीरो फॉर क्लोज्ड पाथ, नेक्स्ट वर्क डन इज नॉट इक्वल टू द नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो है हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। वजह क्या है पता है आपको, वजह यह है कि जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो वो जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देती है तो वो स्टोर नहीं करा सकता, बल्कि जाया कर देती, या हीट की शक्ल में, या टेम्परेचर बढ़ाने की शक्ल में, या इंटरनल एनर्जी की शक्ल में, ठीक है। जैसा कि मैं इस तरह ये फ्रिक्शन वाला फोर्स है, तो ये एनर्जी जो है ये क्या करेगी, ये कहाँ जाएगी, ये स्टोर तो नहीं होगी, ये जो फ्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी ये क्या होती है, वेस्ट होती रहती है, ये कम्प्लीटली हीट की शक्ल में लॉस हो जाएगी, स्टोर नहीं होगी। हाँ, जबकि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड, दिस काइनेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड, राइट। और इसमें नहीं होता इस तरह, तो द वर्क डन इज अ नट equal to the potential energy positive or negative, ऐसा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ये जो है दोनों केसेस में याद रखिएगा, कंजर्वेटिव भी और नॉन कंजर्वेटिव दोनों में अगर आप फोर्स के खिलाफ काम करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन कंजर्वेटिव केस में जो है वो एनर्जी जो है वही जो डिक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी वो स्टोर हो जाएगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और नॉन कंजर्वेटिव केस में जाया हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल, अगर एक बॉडी जो है पॉइंट ए से बी तक हमने स्लाइड किया, एक ब्लॉक ये हमने स्लाइड किया इस तरह, ये अप्लाइड फोर्स है, लेकिन जो फ्रैक्शन फोर्स है इसने काम किया, क्योंकि फ्रैक्शन फोर्स हमेशा हमेशा जो है वो मोशन का अपोजिट होता है, जितना वर्क हुआ यहां से यहां तक, वर्क डन बाय द फ्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ एस, ये एस जो है लेंथ ऑफ द पाथ है। अगर हम इस बॉडी को वापस इधर लेके आए तब भी इतना ही काम होता है, वर्क डन by the friction force from A to B, A, A, B to A hai, is equal to still, once again it is minus F is the total work done for the closed path A to B, B to A is equal to, is not equal to zero, balki matlab is equal to minus 2F, is dono work ko add kare, is direction mein bhi, which is not equal to zero. ये पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पॉइंट ए से बी तक आप मुख्तलिफ रास्तों से आएंगे तो ये फोर्स मुख्तलिफ काम करेगा, शॉर्टर पाथ के लिए कम, लॉन्गर पाथ के लिए ज्यादा, क्लियर है। ये कंजर्वेटिव, इसके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हम,
यही था हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आम करें और हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।